Vamos a hacer aquí. पानी डाल डाल के धोना है, रगड़ना है। इस तरह धो लेना है 3-4 बार। अच्छा, ऊपर को देखिए इस तरह पूरा साफ कर लेना है, तो रगड़ के पूरा कचल के उसको साफ कर लेना है, धो लेना है 3-4 बार रगड़ने के बाद। पानी से डाल के अच्छे से पूरा उसका गंदगी निकाल देना है, इस तरह साफ कर लेना रगड़ के 3-4 बार धो लेना है। भात खा लिया दुला रे? इसमें नमक हल्दी दे के रख दिया मछली में, नमक और हल्दी दे के 5-10 मिनट पहले रख देना है। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद जब तेल गर्म होगा उसके बाद फिर छोड़ना है। रेसिपी के लिए ये मसाला जाएगा, देख लीजिए। ये धनिया है, ये हल्दी है, ये जीरा है, ये लहसुन है, ये प्याज है, और ये मिर्च और अदरक। मछली, छोटा मछली बैंगन के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो बैंगन ये है, देखिए सब बैंगन डालेंगे, आगे दिखाते हैं आपको। ये मसाला देख लीजिए, तो मछली के लिए मसाला रेडी हो गया मिक्सर मशीन में। ये देखिए पेस्ट कर लिए हैं, काटिए ये बैंगन काट लें। छोटा छोटा टुकड़ा करना है, इसका बैगन काट कर रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज देखिए इस तरह। तवा गर्म हो, चूल्हा जला दिए हैं, तवा गर्म हो गया, अभी तेल डालेंगे। गरम हो गया, अभी मछली डालना है। चलाते रहना चम्मच, उसके बाद लाल हो जाएगा, दिखाते हैं आपको, नहीं तो फिर लग जाएगा, नहीं चलाएंगे तो लग जाएगा, फ्राई हो जाएगा, लाल हो जाएगा, उसको उठा लीजिए। एकदम पूरा फ्राई हो गया, एकदम ब्राउन हो गया। ब्राउन हो गया, फ्राई कर लिए, मस्त एकदम ब्राउन कलर का हो गया फ्राई, एकदम कड़क। ऐसा भी खा सकते हैं, किसी को फ्राई खाना है तो फ्राई खा सकते हैं, और नहीं तो अगर पकाना है, ग्रेवी बनाना है, तो ग्रेवी बनाने का प्रोसेस आगे बताएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तवा गर्म हो चुका है, अभी तेल जाएगा, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अभी जाएगा हल्दी, उसके बाद जाएगा नमक, पर भूनना है ना, उसके बाद भून लेना है, ब्राउन कलर कर लेना है मसाला को। उसके बाद दिखाते हैं आगे आपको, ब्राउन कलर तो हो गया, अभी डाल देना है पानी। पर हिला लेना है थोड़ा, आगे बताते हैं क्या करना है। पानी बॉईल हो गया है, मसाला डालने के बाद पानी थोड़ा डाले थे, उसके बाद थोड़ा उबलने लगेगा पानी, थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद जाएगा ये बैंगन है, देखिए अभी बैंगन डालना है। बैंगन धो लिए अच्छे तरह से, काट के 3-4 बार धोने के बाद ये देखिए डाल दिए। उसके बाद बैंगन डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद ढक्कन से ढक के रख देना है कम से कम 10 मिनट। बैंगन बॉईल हो जाएगा, उसके बाद जो मछली भुने थे, फ्राई किए थे, वो मछली ऊपर से डाल देंगे। उसके बाद फिर से 5 मिनट ढक के रख देना, उसके बाद मछली का रेसिपी तैयार हो जाएगा आपका। आगे दिखाते हैं, कन ढक के रख दीजिए 10 मिनट, उसके बाद बैंगन बॉईल हो जाएगा, फिर मछली डालना है। आगे दिखाते हैं आपको क्या करना है। ये देखिए बैंगन बॉईल हो चुका है, ठीक है, अभी इसमें जाएगा ऊपर से मछली डाल देना है। मछली डाल दिए, हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो मछली टूट जाएगा, कांटा कांटा फिर पूरा उस पर सब्जी में हो जाएगा। 5 मिनट ढक के रख देना है, कुछ नहीं करना है, हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। उसके 5 मिनट के बाद आपका मछली रेसिपी तैयार हो जाएगा। ढक के रख देना है 5 मिनट तक,
रखने के बाद, इंतज़ार करने के बाद आपका मछली तैयार हो गया है। ये देखिए, उसके बाद आप आनंद ले सकते हैं।